सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद, सरकार बन जाने के बाद, सरकार के कुछ दिन काम करने के बाद भी अभी भी जो राजनीतिक रस्साकशी है वो लगातार मची हुई है। कभी ये पता चलता है कि सरकार के मंत्री सरकार से नाराज हैं, तो कभी ये पता चलता है कि जिस गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़े पैमाने पर वोट दिया था कि वो मजबूती से सरकार के सामने लड़ाई लड़ सके, उस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और ठीक भी इस कदर नहीं है कि पत्र जारी करके ये कहा जा रहा है कि आप स्वतंत्र हैं, जहां मन वहां जाइए, जिसको मजबूत करना है करिए, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपको जो ठीक लगता है करिए। ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने की कस्में खा रहा था, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहा था, एक दूसरे के साथ मजबूती बताते हुए ये कह रहा था कि अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे विधानसभा में तो अगर सरकार किसी और की बनती भी है तो भी वो हमसे पानी मांगेगा, डरेगा। और जब चुनाव के नतीजे आए, सरकार नहीं बनी, वही गठबंधन अब एक दूसरे के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि इन्होंने हमें सही समय पर इज्जत नहीं दी, तो ये नेता किसी काम के नहीं। बीते दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्र जारी करके ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव को यह कहा गया कि आप लोग जिसे मजबूत कर रहे हैं उसे मजबूत करिए, हमें ये बताते हुए ठीक लग रहा है कि आप स्वतंत्र हैं, आपको जो ठीक लगता है वो करिए, आप जहां जाना चाहते हैं चाहिए, हमारी तरफ से कोई भी बाउंडेशन कोई भी रोक टोक नहीं है। और इस पत्र के बाद से लगातार अब जो बयानबाजियां हैं वो बड़ी तेज हो गई हैं। आज शिवपाल सिंह यादव की तरफ से बयान जारी करते हुए ये कहा गया कि अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं और ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो नए नेता करते हैं, आप परिपक्व, उन्होंने अखिलेश यादव को बताया। ये कहा कि अखिलेश यादव बिल्कुल अपरिपक्वता दिखा रहे हैं, जैसे एक सीनियर नेता काम करता है वैसा वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। संविधान बताता है कि हर कोई स्वतंत्र है, वो जहां चाहे जा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो ये मुझे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी मत बताए कि मैं स्वतंत्र हूं या नहीं हूं, मैं आजम खान के साथ हूं। अब आजम खान के साथ अगर वो हैं तो क्यों हैं, क्या कारण है आजम खान के साथ होने का, और आजम खान तो खुद समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो ये सवाल भी बनता है कि आखिर शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान का नाम क्यों लिया, जबकि अभी कुछ दिनों पहले आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। उसके अलावा जो बीते कुछ चुनाव हुए हैं जिसमें राज्यसभा के चुनाव या फिर जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी सब यही कह रहे थे कि आजम खान का रोल इसमें बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बाद इस तरह का बयान आ जाना और बयान में ये कह देना कि आजम खान के साथ मैं हूं, ये क्या दर्शाता है, ये समझना जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव पहले अपने दामन में देख लें, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो गलतियां हैं, उन गलतियों को जान लें, हमने तो सिर्फ उनको एक छोटी सी सलाह दी थी, उनको उसी पर बुरा क्यों लग गया, ये उनको खुद सोचना चाहिए। और यही पर वो अपनी अपरिपक्वता को झलका देते हैं कि उनको इतना नहीं पता, उनको इतना नहीं मालूम कि अगर उनका कोई साथी उन्हें कुछ बता रहा है तो उस बात को समझा जाए, वो इतने पर ही नाराज क्यों हो जा रहे हैं। लगातार अब इन मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है वो टूट तो पहले ही चुका था, लेकिन अब उस दरार को और बढ़ता हुआ हम और आप देख रहे हैं। और उसके बाद अब ये लगभग फाइनल हो चुका है कि ये सब अलग अलग हैं और किस तरह से ये सरकार से लड़ेंगे जब ये खुद की लड़ाई को नहीं जीत पा रहे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये कारण क्या रहा, क्यों ये समस्या बढ़ गई और आखिर किस वजह से पत्र जारी करने के बाद अब लगातार बयानबाजियों का जो दौर है वो चल रहा है। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। देखिए, जो लेटर जारी हुआ है वो आप लोगों के माध्यम से ही मुझे जानकारी हुई है और उस लेटर में औपचारिक स्वतंत्रता दे दी गई, तो इससे तो लगता है कि ये जो लेटर जारी हुआ है अपरिपक्वता का राजनीतिक प्रमाण दिया गया है। अभी कोई फैसला नहीं, अभी हम केवल अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारी विचारधारा समाजवादी है, समाजवादी विचारधारा है, और अगर कहीं किसी गठबंधन में अगर कोई बनेगा तो विचार कर लेंगे अपने साथियों के साथ।
और साफ तौर पर उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि अखिलेश यादव जो राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपरिपक्वता को झलकाती है, वो मुझे मत बताएं कि मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना है, संविधान हमें बताता है कि हम सब अपने मन का कर सकते हैं, तो वो मुझे ये ना बताएं कि मैं आजाद हूं या नहीं आजाद हूं, स्वतंत्र हूं या नहीं हूं, ये अखिलेश यादव मुझे ना बताएं, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा और समय आने पर मैं बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इन सबके बीच में जो अब बयानबाजियों का जो दौर है उत्तर प्रदेश में वो काफी बढ़ा हुआ है, क्योंकि लगातार इस बात को पहले भी हमने सुना अभी भी सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन है वो, और उसके लिए हमेशा इस बात को कहा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ का रहा है वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, और ऐसा लगातार सत्ता दल ये कहती आई है कि अखिलेश यादव ने जिसके साथ भी गठबंधन किया है अखिलेश यादव ने उस गठबंधन धर्म को नहीं निभाया है। अखिलेश यादव ये भी कहा जा सकता है कि दूध में मलाई अपनी तरफ रख लेते हैं और मक्खी वाला काम गठबंधन के लिए कर देते हैं, काम हो जाने के बाद मक्खी की तरह उसे निकाल करके फेंक देते हैं, इस तरह की बातें भी जो हैं वो अखिलेश यादव के लिए कही जाती रही हैं और इस बार के भी इस गठबंधन को देखते हुए ये बात जो है वो कही जा रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है वो किस तरह से इस लड़ाई को लड़ता है, किस तरह से इस लड़ाई को जीतता है। हालांकि अब जो गठबंधन है वो गठबंधन तो बिल्कुल अलग हो गया है, लेकिन अलग होने का क्या कारण रहा, क्या सिर्फ अखिलेश यादव की अपरिपक्वता राजनीति, क्योंकि जिसको लेकर के लगातार ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, कई सारे और नेता जो हैं वो इस बात का जिक्र करते आए हैं, प्रसपा के नेता इस बात का जिक्र करते आए हैं कि अखिलेश यादव अपने आगे किसी की सुनते नहीं है, और बीते दिनों हमने देखा भी जब ओम प्रकाश राजभर की तरफ से एक सलाह उन्हें दी गई थी उस पर वो काफी नाराज हो गए थे। तो इसी विषय पर अब से थोड़ी देर में हम इस डिबेट को शुरू करेंगे, मेहमानों को जोड़ेंगे, लेकिन ये जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी अब बढ़ते जा रहा है, काफ़ी गर्माते जा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है उसका भविष्य किस ओर जाएगा, विपक्ष क्या लड़ाई लड़ेगा, कितना मजबूत है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद यही विपक्ष कह रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत हैं कि मौजूदा सरकार के सामने समस्याओं को खड़ा करते हुए नजर आएंगे। हम ही आप इस विपक्ष के कसीदे पढ़ रहे थे, हम ही आप ये कह रहे थे कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष है उसके पास ज़्यादातर सीटों की संख्या है और ये विपक्ष पिछले बार से ज़्यादा मजबूत है, ये विपक्ष कई सारे बड़े सीनियर नेताओं के साथ बनाया गया है और ये विपक्ष जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को विधानसभा में खड़ा करेगा, उनकी समस्याओं को बताएगा, सरकार के सामने रखेगा। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो विपक्ष है ये टूटता बिखरता हुआ नजर आया है। अब गठबंधन के नाम पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास कुछ नहीं है, विपक्ष अकेला है, समाजवादी पार्टी अकेली है और माहौल और इस वक्त का जो आकलन है वो यही कहता है कि सरकार तो छोड़िए, विपक्ष आपस में ही लड़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव और इसमें एक ट्विस्ट का काम कर रहे हैं आजम खान, क्योंकि पहले भी देखा गया जिस तरह से आजम खान के मुद्दे को उठाया गया कि अखिलेश यादव आजम खान से मिलने नहीं गए, अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर के कोई पैरवी नहीं की, कई सारी जो चीज़ें थी अखिलेश यादव को लेकर कही जा रही थी, आजम खान की नाराज़गी जो थी वो बताई जा रही थी, आजम खान के कुछ करीबियों ने इस नाराज़गी को जाहिर भी किया था और कहीं ना कहीं उसी तरह का मामला जो है अब देखने को मिल रहा है कि शिवपाल यादव, आजम खान, ओपी राजभर ये सारे जो नेता हैं ये अखिलेश यादव से अलग हो गए हैं या फिर समाजवादी पार्टी ने खुद कह दिया है कि आप अपना जो रास्ता है वो खुद चुन लीजिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप स्वतंत्र हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए, उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। किसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अतीक खान हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं, तारिक खान हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और मोहम्मद इखलाक हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों को आज के डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तारिक भाई आपके पास आना चाहूंगा, ये गठबंधन तो टूट गया पर अभी भी अंदर खाने बहुत कुछ जो है वो चल रहा है, आपके अपने जो थे वो अब अलग हो चुके हैं, आपके अपने जो हैं वो बयान जारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव की राजनीति को देख करके यही कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव एक अपरिपक्व नेता है। शिवपाल सिंह यादव ने आज इस बात को कह दिया,
उन्होंने ये कह दिया कि संविधान हमें बताता है कि हम स्वतंत्र हैं, अखिलेश यादव हमें क्यों बता रहे हैं। तो लगातार बयान भी जारी हो रहा है, लगातार आपकी पार्टी पे, आपके नेता पर हमला भी किया जा रहा है, और ओम प्रकाश राजभर भी इसी में शामिल हैं। क्या कहना है? एक गठबंधन नहीं हुआ यहाँ पर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में अनेकों गठबंधन हुए। हाँ। और वो गठबंधन चले भी और टूटे भी। हाँ। बीजेपी ने अपने 42 साल के जो बीजेपी का कार्यकाल हुआ उसमें 45 से 50 गठबंधन तोड़े हैं। हाँ। एवरेज एक से ज्यादा है प्रति साल। कंपटीशन कर रहे हैं क्या है समाजवादी? नहीं नहीं, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। हाँ। बता रहे हैं सिर्फ इतिहास। हाँ। अब सुनिए बात, यहाँ दिक्कत क्या हो जाती है। हाँ। कि मैंने आज तक ऐसा गठबंधन नहीं देखा कि हाँ। वो गठबंधन में रह के ही अपने ही साथी को हाँ। इस तरीके से उनकी एक तरीके से भर्सना करते, उनकी बुराई करते, उनकी ये इसको कतई भी एडवाइस के रूप में नहीं लिया जा सकता। हाँ। इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं। इनका बुलाना, अखिलेश यादव का ना बुलाना, इनका हाँ। आधार था ये बैठे थे कि कुछ हो जाए तो हम उस पे बवाल मचा दें। राजभर साहब ने आधा घंटा विधानसभा में रोए कि ओबीसी का वर्गीकरण कर दो, क्या बीजेपी ने कर दिया? नहीं किया। शिवपाल साहब दुहाई देते हैं लोहिया और जेपी साहब की, तो एक तरीके से लोहिया और जेपी का स्टूडेंट तो फेल हो गया। मुलायम सिंह यादव भी उन्हीं के स्टूडेंट थे है, और शिवपाल सिंह साहब भी उन्हीं के स्टूडेंट हैं, तो इस एक स्टूडेंट तो फेल हो गया, फिलहाल एक पास है, क्योंकि ये ना सिखाया होगा कि आप मान लेते हैं कि अखिलेश यादव से आपकी डिस्टेंस है, मान लिया जाता है उसको, लेकिन वो चीज आपको इस चीज से कभी जस्टिफाई नहीं करा पाएगी कि आप भारतीय जनता पार्टी के वोटों से सत्ता की मलाई खाने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष बन जाए। कभी नहीं होगा समाजवादी विचारधारा ने कभी ये नहीं सिखाया। मैं कहां उपाध्यक्ष बन रहे हैं आप, कौन सी खिचड़ी बनाया करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अभी अभी तक अभी तक जो पहली मुलाकात हुई शिवपाल साहब की योगी साहब से कुछ महीना पहले, उसमें मेरे पास बहुत पुख्ता जानकारी है कि उसमें विधानसभा उपाध्यक्ष कई, क्योंकि परंपरा रही है उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने। अच्छा, अब ये साइकिल सिंबल से जीते, आप वजह भी सुन लीजिए। डॉक्टर वकार अहमद शाह को बनाया गया, वो विपक्ष में थे तब भाजपा की सत्ता थी। अब एक नेता चाहिए, अभी नितिन अग्रवाल वाला भी यही मामला हुआ, क्योंकि समाजवादी से उठा के और भाजपा के वोटों से ये परंपरा रही है कि विपक्ष के आदमी को बना दिया, अब किसको बनाएंगे? तो शिवपाल साहब मिल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से पार्टियों को तोड़ना चाहती है, विपक्ष की जो भूमिका दी गई है संविधान में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके यहाँ जो भी फूट पड़ी है, या आपके यहाँ जो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश शिवपाल सिंह यादव के लिए आप लोगों ने कहा है कि आप लोग स्वतंत्र हैं, तो ये बीजेपी की तरफ से हुआ है, बीजेपी के वजह? नहीं नहीं, गलत गलत, मैंने ये आरोप नहीं लगाया। अगर हम हारते हैं तो उसके जिम्मेदार हम, अगर शिवपाल साहब हमको छोड़ के जाना चाहते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शिवपाल साहब पे, और अगर राजभर साहब जाना चाहते हैं तो उन पे। भाई बीजेपी तो अपना काम करेगी, हमें मौका मिलेगा हम भी यही करेंगे, ये तो राजनीति है। तो बीजेपी को मौका मिल रहा है, यहाँ बीजेपी की कोई भी गलती नहीं है, मैं सच में कह रहा हूँ कोई गलती नहीं है। हाँ। वो तो अपना काम कर रहे हैं मूलभूत, जो कई सालों से करते आए। अच्छा। लेकिन ना समझ ये है। अच्छा, एक आखिरी बात कह दूं, लास्ट बात। हाँ। जिसको रहते हैं, जिसके साथ, उसकी बुराई करते हैं, दोनों लोगों के लिए कह रहा हूँ, सुभाषपा और शिवपाल साहब के लिए। हाँ। अखिलेश के साथ रहते हैं, उनकी बुराई करते हैं। हाँ। मायावती के साथ जाना चाहते हैं, वो मना कर देती है। हाँ। और जिसको छोड़ चुके हैं उसकी तारीफ करते हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है आयरनिकल। हाँ। मतलब कि अजीब कंडीशन है। हाँ। हमारे साथ है, हमारी बुराई कर रहे हैं, बसपा के साथ जाना चाहते हैं, वो कहते हैं तो ये तो आपको पहले भी पता होना चाहिए ना भाई, वो भाजपा के साथ थे, भाजपा की बुराई करते थे, तब भी उन लोगों ने आपका हाँ। साथ दिया और आपको खुशी खुशी आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, यही जब मऊ में अखिलेश यादव गए थे, यही राजभर, एक बार रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा नितिन भाई। हाँ। वो कसीदे पढ़े थे, जो आज बता रहे हैं कि वो इसी कमरे में रहता है। हाँ। वो कसीदे पढ़े थे अखिलेश यादव की, अभी मैं
सौ दिन के अंदर बदल जाऊं तो आप भी पूछेंगे मुझसे और जरूर पूछिएगा भी कि कौन सा हृदय परिवर्तन हुआ है। आप मऊ वाली एक बार जो मीटिंग थी उसमें जब राजभर साहब ने जब शिवपाल अखिलेश यादव साहब पहुंचे थे और अखिलेश यादव साहब की शान में जो कसीदे पढ़े गए थे वो भी याद कर लीजिए। अखिलेश यादव ने कैसे विधानसभा में खड़े होके कहा था, आपका समर्थन किया था जब आप पे हमला हुआ था, और यही सरकार है जिनकी आप दावत उड़ा रहे हैं, जिनके होम मिनिस्टर से आप मिल के आ रहे हैं, जिनकी आप सिक्योरिटी ले रहे हैं, जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, जिनको आप कह रहे थे कि अभी धूल चटा दूंगा कुछ दिन बाद, खाली जातियों का नाम रट लेने से आप जनता के सेवक नहीं बन जाते। ठीक है, ठीक है, आप जातियों के नाम रट लीजिए 150 कोई मतलब। ठीक तारिक भाई, मैं आता हूँ। अधिक खान हमारे साथ सुभाषपा से हैं। अधिक भाई, तारिक भाई की बातों से ऐसा लग रहा है कि आप स्वतंत्र से पहले भी थे, अभी भी हैं, आप लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन आपकी गलबैया जो थी वो कहीं ना कहीं चली रही किसी और से। तारिक खान भी इस बात को कह रहे हैं, क्या कहना है? देखिए नितिन भाई, सबसे पहले तो मैं तारिक भाई की एक बात से असहमत हूँ। हाँ। इन्होंने कहा कि ये हमारे मुझे तो लग रहा है आप उनकी सारी बातों से असहमत होंगे। नहीं नहीं, एक बात इन्होंने भी कही कि ये हमारे साथ रहते हुए हमारी इन्होंने बुराई की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोग भी हैं चूंकि हमेशा बने रहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे, आप हमेशा रहते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके साथ। हाँ, हमारे इनके जो रिश्ते कहीं ना कहीं क्यों निकले, आपने कह दिया कि एसी से निकलते नहीं। नहीं, देखिए मैं पूरी चीजें सिलसिलेवार बताता हूँ तो चीजें आप समझ जाएंगे। तारिक भाई, देखिए मैं चीजें सिलसिलेवार बताता हूँ। इनके हमारे जो मतभेद हुए हैं, ये इसकी शुरुआत हुई जब पश्चिम में इन्होंने टिकट बांटना शुरू किया। हाँ। तो उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ों को नजरअंदाज कर दिया, जो पिछड़े समाज के थे, पिछड़े समाज के लोग थे। तो आदरणीय ओपी राजभर जी ने उस समय भी कहा था, भाई देखिए पिछड़े समाज के लोग काफी हैं और इनको भी टिकट देना चाहिए, तो इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। शुरुआत वहीं से हुई और फिर आगे जाते जाते एसी कमरे से, शुरुआत वहां से हुई और एसी कमरे से होते हुए आदरणीय सिन्हा जी की पार्टी पे जा करके लगभग चीजें पूरी तरीके से बिगड़ गई थी। लेकिन नितिन भाई, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने तारिक भाई से ही कह दिया कि भैया एसी कमरे में बैठ कर आप डिबेट कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकलिए, जैसे मैं नितिन भाई के साथ आज स्टूडियो में हूँ, तो मैंने कौन सा गलत कह दिया? तो इस पे इतना बड़ा बात का बतंगड़ बनाना मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इन लोगों को क्यों लगता है कि आप लोग भाजपा को मजबूत कर रहे हैं? नहीं, देखिए भाजपा को नहीं, फिर पूरी बात में पूरी कर लूं। उसके बाद हुआ क्या कि हम इंतजार करते रहे, भाई अब हमें बुलाएंगे, अब हमें बुलाएंगे। इन्होंने हमें फोन किया, फोन करने के बाद फिर मना कर दिया, भैया आना ही नहीं है, पार्टी स्थगित कर दी गई है। अगले दिन अकेले अकेले आरएलडी को लेकर के पार्टी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है कि आप हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। जब आपने हमें लेटर जारी कर दिया कि अब आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं, तो भैया जब हम अपनी इच्छा से कहीं चले गए और जो कमियां थी आपके अंदर, कहीं ना कहीं हमने बताया भाई देखिए हमारे आपके रिश्ते नहीं जमे, हम अलग हो गए, लेकिन लेटर में ये लिखने की आपको जरूरत नहीं थी कि हम जा तो रहे हैं लेकिन किसके साथ जा रहे हैं। आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि भाजपा से आपके रिश्ते अच्छे हैं, आप भाजपा में चले जाइए, आप जाने के लिए स्वतंत्र कहीं से लग रहा होगा ना कि आप लोग कुछ मजबूती दे रहे हैं भाजपा। यही शंका तो इनको पीछे ले जा रही है, यही इस संकेत की वजह से। आपने देखा होगा कांग्रेस से इनके रिश्ते थे वो खत्म हो गए, बहन जी मायावती जी से इनके रिश्ते थे वो भी इनके खत्म हो गए। अभी आपने देखा होगा कि एक छोटे मोटे एक आध छोटे दल और थे, उनसे भी इनके रिश्ते खत्म हो गए, महान दल। तो अब हमारे साथ भी हुआ। देखिए नितिन भाई, एक में कमी हो सकती है लेकिन सब में कमी नहीं हो सकती है। अगर सारे लोग साथ छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर कमी आप में है। तारिक भाई तो सवाल कमी आप ही में है। एक सवाल ले ले, जब अमित भाई से मिलने गए थे, जब एनडीए के अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री से आप मिलने गए थे, तो अभी जो ओबीसी वाला मसला आपने छेड़ा है, तब ये बात करी थी उनसे कि ओबीसी के वर्गीकरण करा दीजिए उत्तर प्रदेश? बिल्कुल, देखिए हम अपने मुद्दे पे बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और निश्चित रूप से बात हुई होगी। बात की थी नहीं की थी वहां पर? नहीं, देखिये मैं आपको इसमें भी बताता हूँ, पूरी चीजें क्लियर कर दूं। देखिए जब आपने हमें नहीं बुलाया, माननीय सिन्हा जी ने भी हमसे वोट नहीं मांगा, गठबंधन ने आपके वोट नहीं मांगा, तो फिर हमारी मजबूरी हो गई कि भाई जो हमसे मांग रहा है हम उसके पास जाएं। तो देखिए पहल तो हमें वहीं से हुई थी कि भाई आइए, आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं, आप आइए और पिछड़े समाज से आइए, ठीक है, ठीक है, वोट करिए, तो हम चले गए। तो कौन सा गलत कर दिया भाई? ठीक है मैं आता हूँ आपके साथ। हमारे साथ मोहम्मद इखलाक हैं प्रसपा से। इखलाक भाई, मैं ये कह रहा था, शिवपाल जी ने आज एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुझे ना बताएं, अपरिपक्व राजनीति भी उन्होंने ठहराया अखिलेश यादव की राजनीति को, और ये कहा कि मैं आजम खान के साथ। आजम खान तो समाजवादी पार्टी के साथ है, तो समझ नहीं आ रहा किसी को क्या मामला।
और ये तारिक खान ये भी कह रहे थे, मैं एक चीज और ऐड कर दूं इसमें, तारिक खान कह रहे थे कि आप लोग लोहिया के आदर्शों को भी भूल गए। जी अच्छा, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे नेता आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने हमेशा सदैव हमेशा संघर्षवादी नेता रहे हैं, और उनको कोई नहीं बता सकता है या इस देश के किसी भी नागरिक को कोई नहीं बता सकता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो कि वो कहाँ चले जाए, जहाँ उनको इज्जत मिले चले जाए। पहले खुद तो इज्जत कर नहीं सकते हैं, फिर लेटर दे देते हैं प्रमाण का कि ये लीजिए भाई इज्जत का लेटर, हम आपकी इज्जत कर नहीं सकते हैं, अब आपको जहाँ इज्जत मिले वहां जा सकते हैं। और रही बात आदरणीय आजम खान साहब की, कि देखिए आदरणीय आजम खान साहब, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय नेताजी ने, इन्हीं सब लोगों ने मिलकर समाजवादी पार्टी बनाई थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने समाजवादी नहीं बनाई थी, ये जो समाजवादी पार्टी है, इस समाजवादी पार्टी को इन्हीं सब बड़े नेताओं ने मिलकर बनाया था। तो कोई अपने साथियों को नहीं छोड़ सकता। जब आदरणीय आजम खान साहब जेल में थे तो सबसे पहले और आखिरी तक जेल में मिलने जाने का काम हमारे नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने किया था। तब अखिलेश जी कहाँ थे, तब अखिलेश जी क्यों नहीं गए उनसे मिलने। हमारे नेता हमेशा अपने साथियों की इज्जत करते हैं, चाहे उनके पुराने साथियों। तारिक भाई आपका कुछ ऑडियो दिक्कत कर रहा है, एक मिनट तारिक भाई आपका कुछ ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा उसको देख लीजिएगा, कुछ आवाजें आ रही पीछे से। हाँ एक लाख भाई पूरा कीजिए जी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो समाजवादी पार्टी में जो आज लोग कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव कहीं जा सकते हैं, शिवपाल सिंह यादव जी कहीं भी जा सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं सब नेताओं का रहा है। माननीय शिवपाल जी क्या रहा है, आदरणीय आजम खान साहब का रहा है, स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी का रहा है, तब अखिलेश जी कहाँ थे। क्या समाजवादी पार्टी 2012 से पार्टी बनी है क्या? 2012 से समाजवादी पार्टी को खत्म करने का अगर सबसे बड़ा योगदान रहेगा तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का रहेगा। बड़ा बयान दे रहे हैं, ये बड़ा बयान दे रहे हैं, उनका रहेगा। नहीं ये बड़ा बयान दे रहे हैं कि अखिलेश, बड़ा बयान ये बात मैं कह रहा हूँ, आप इसका प्रमाण लेके आप बैठिए। 2012 के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अखिलेश यादव जी, क्या हासिल किया, किस क्या दिया समाजवादी पार्टी को? 2014 हराया, 2017 हराया, 2019 हराया, 2022 हराया, उपचुनाव हराया। तो ये समाजवादी पार्टी को किस राह पे लेके जा रहे हैं, ये तो समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे भाई तारिक भाई भी जानते हैं, मगर अब बयान नहीं कर सकते तो अलग की बात है। भाई पार्टी के प्रवक्ता है, हम लोग तो नेता है पार्टी के, तो प्रवक्ता तो अपनी पार्टी को डिफेंड करेगा ही। ये तो इनका दिल भी जानता है कि समाजवादी पार्टी कहाँ जा रही है और अखिलेश यादव जी उसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो शिवपाल जी ने ये क्यों कहा कि मुझे विधानमंडल दल से ही निकाल दो? देखिए अगर आपको फैसला लेने की हिम्मत रखिए। और ये तारिक खान ये भी कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष वाला कोई सीन क्लियर हुआ है, इसलिए आप लोग इतना। तारिक भाई हमारे भाई हैं, तारिक भाई हमारे भाई हैं, मैं पहली बात का आपका जवाब दूंगा। हाँ। कि अगर आप देखिए किसी के साथ अगर आपका कुछ नहीं अच्छा बन रहा है तो आप सीधा आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके विधायक हमारे नेता है आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी पे टिकट पे चुनाव लड़ा है, आप उनको पार्टी से बाहर करिए। किसी की हैसियत नहीं हुई है कि उस लेटर पे अपना साइन कर दे, चाहे वो कोई भी हो, किसी की हैसियत नहीं थी उस लेटर पे साइन कर दे। किसके साइन थे वो? और पार्टी के थे इनके, अगर जिसने निकाला राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते थे, प्रदेश अध्यक्ष कर सकते थे, राष्ट्र महासचिव कर सकते थे, किसी ने नहीं किया। अरे भाई अगर उनको तकलीफ, उनको हटाइए, आपके विधायक हैं वो, उनको हटा दीजिए। ठीक है, उनको आप हटाने का काम करिए। और तारिक भाई के बारे में बताऊंगा, तारिक भाई को वैसे ही बता रहे जैसे आदरणीय नेताजी का इन्होंने वोट देख लिया था कि वो सिन्हा जी को गया था, कि द्रौपदी मुर्मू जी को गया था, वैसे ही बता रहे हैं कि हमें उपाध्यक्ष बनना है। हमें तो ये लगता है कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी और इनके नेताओं की बहुत ज्यादा जोड़ गांठ है, ताकि इनको तो बातें बहुत जल्दी पता चल जाती है, जो बातें लगता है मीडिया और हम लोग को नहीं पता चलती। ठीक है ठीक, मैं आता हूँ। केसी जैन साहब हमारे साथ बीजेपी से। जैन साहब ये जो भी कुछ हो रहा है, तारिक खान कह रहे हैं कि आप ही लोग करवा रहे हैं, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि आपका तो काम ही यही है, लेकिन ठीक है ये आप लोग करवा रहे हैं, ऐसा क्यों उनको लग रहा है? देखिए नितिन जी, समाजवादी पार्टी का ये एक मोटो बन गया है कि जब भी उनकी स्थितियां गड़बड़ाने लगती हैं, जब भी वो किसी समस्या में फंसते हैं तो वो बगले झांकने लगते हैं। और उनको दिखाई कौन पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी। और वो यही सोचते हैं, समाजवादी पार्टी ये सोच रही है, उसके मुखिया ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हम हर चीज पे टारगेट करेंगे तो हमें कंसीडर किया जाएगा। और वही हो भी रहा है। देखिए अब जो उन्होंने कह दिया वो सवाल आपका बन गया, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो कुल मिला करके ये इनकी लड़ाई आपस की है,
और ये कह रहे हैं कि राजभर जी नाराज हो गए, या राजभर जी सलाह क्यों दे रहे हैं, या राजभर जी ने कैसे प्रश्न खड़ा कर दिया कि आप एसी रूम में बैठते हैं। तो ये सवाल सिर्फ राजभर जी का नहीं है, ये सवाल तो आपकी समाजवादी पार्टी के लोग बहुत सारे उठा रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि वो अखिलेश यादव जी के सामने कोई बात कह सके, टिप्पणी कर सके, क्योंकि वो किसी की सुनते नहीं, एकदम मनमानी करते हैं। तो ऐसे में जो, और ये भी कई बार चर्चाएं हुई कि उनके कुछ आसपास के नवरत्न हैं केवल उन्हीं की बात मानते हैं, बाकी ना तो गठबंधन दलों का सम्मान है ना गठबंधन दलों के मुखिया की कोई बात मानते हैं। आप देखिए आदरणीय शिवपाल यादव जी ने कितना बड़ा त्याग किया कि अपनी प्रगतिशील पार्टी के तमाम सारे लोग स्ट्रॉन्ग लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन सबको मना कर दिया कि नहीं समाजवादी पार्टी का सहयोग करिए, और सिर्फ एक सीट पे संतुष्ट होकर के, वो भी सीट किस पे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे। फिर उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई। और रही बात ये जिसकी तोड़फोड़ की बात करते हैं, तो हमारे पास जब ये जिसकी शुरुआत की बात हुई द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव को लेकर के, राष्ट्रपति महोदया के चुनाव को लेकर के, हमारे पास संख्या बल पर्याप्त था, हम तीन गुना वोटों से जीते हैं, हमारे प्रत्याशी जीता है, राष्ट्रपति महोदय बनी है, तीन गुना वोटों से। तो ऐसे में हमें आपके 5-6-7 विधायकों को तोड़ करके या उनका वोट देने से कौन सा, क्या दो राष्ट्रपति हो जाएंगी क्या, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जैन साहब इनकी समस्या, इनके नेताओं की समस्या तो यही रही है, पत्र भी लिखा उसमें भी इन्होंने लिखा है कि अगर ये गठबंधन टूट रहा है या लोग नाराज हो रहे हैं तो उसमें पूरा जो खेल है वो बीजेपी का है। और ये भी कहा है कि उन लोगों की नजदीकियां जो है वो बीजेपी से ज्यादा है, ओम प्रकाश राजभर हो गए, शिवपाल यादव। देखिए क्या है, हमने आपसे बताया ना, ये तिलमिलाहट और छटपटाहट है समाजवादी पार्टी के मुखिया की, उनसे कोई भी घटक दल संभल नहीं रहा, उनसे उनके लोग उनकी बात मान नहीं रहे हैं या उनके अंदर नेतृत्व का अभाव है। छोटे छोटे दल अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को कहें तो संख्या बल के आधार पर तो बहुत छोटा दल है, उस तरीके से देखें तो शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी को खड़ी करके यहाँ तक लाए, उनसे ज्यादा अनुभव, अखिलेश जी से ज्यादा अनुभव उनके पास में, और उनको टिकट दिया सिर्फ एक। तो ऐसे में नाराजगी होना तो जायज है, और जाहिर सी बात नाराजगी तो होगी, और ये नाराजगी अब की नहीं है। ये चुनाव द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव तो अब हो रहा है, प्रत्याशी भी विधानसभा चुनाव के बाद तय हुआ, लेकिन अखिलेश यादव जी लगातार 2017 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2022 का चुनाव, 2019 का चुनाव, और उसके बाद में एमएलसी का चुनाव, एमएलसी में 0 सीट पे आउट हो गए। तो ये चीजें क्या दिखा रही है, और कितने लोग टूट करके समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी और हार का ठीकरा गठबंधन पे डाल देते हैं। नहीं, बात वही चीज है। देखिए इनसे लोग जब नाराज, अभी जो राजभर जी की पार्टी के प्रवक्ता महोदय है उन्होंने स्पष्ट किया कि आप बुलाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, और ये बात सही भी है। टीवी पे उनके इंटरव्यू आए राजभर जी के, ओपी राजभर जी के, कि अभी हमने कुछ तय नहीं किया है, एक दो दिन पहले उनका वक्तव्य आता है कि हम लोग समर्थन मुर्मू जी को करेंगे, लेकिन जस्ट उसके बाद उनका वक्तव्य आता है कि अभी हम लोगों ने कुछ नहीं तय किया है, अभी अखिलेश यादव जी से मीटिंग होनी है, वो बुलाएंगे, वार्ता करेंगे, बात करेंगे, तब हम तय करेंगे। वोट पे हम जरूर गए थे, वोट में उनके जरूर शामिल हुए द्रौपदी मुर्मू जी के, लेकिन अभी हम वोट किसको देंगे, हमारी पार्टी के लोग वोट किसको देंगे अभी तय नहीं है। उसके बाद में भी अखिलेश यादव जी चुप बैठते हैं, उनको बुलाते नहीं है, वार्ता नहीं करते, तो ये क्या है, तो दुत्कार है ना, कि बुला करके दुत्कारना है। तो ऐसे में कोई भी होगा नाराज होगा, एक आम आदमी नाराज होगा, और वो एक पार्टी तो के क्या माना जाए कि इनकी माना जाए, विधायक उनके पास में, जैन साहब माना जाए कि इन लोग का जो दुख दर्द है वो आप उसको समझाएंगे और ये अपने साथ ले जाने की कुछ चल रही है क्या? देखिए नीतीश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार है और आपने तो इतना टेढ़ा सवाल पूछ दिया है कि इसको, इसका हमें लगता है किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन मैं आपको साठ में बता दूं कि अभी कोई वार्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं है, ना तो माननीय शिवपाल जी से है, ना तो आदरणीय राजभर जी से। राजभर जी हमारी पार्टी में पहले थे, लेकिन आज उनको इस चीज का एहसास जरूर है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, और उनको जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में एक समय में हुआ करता था वो सम्मान
समाजवादी पार्टी में उनको नहीं मिल रहा है, जबकि हम सरकार में थे तब भी पूरा सम्मान दे रहे थे, कैबिनेट मंत्री रहा है वो तो सरकार में नहीं, तब भी इतने गुरूर और घमंड में है कि अपने लोगों से बार बार कह रहे हैं आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, जब बार बार आप अपमानित करेंगे तो लोग जाएंगे छोड़ करके, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहां पे क्या रोल है? हमने कहा आप छोड़ दीजिए, हमने कहा आप पत्र लिख दीजिए, हमने कहा कि आप भोज, अगर वो भोज में शामिल हुए हैं राजभर जी उनको मत बुलाइए, उनसे वार्ता मत करिए, हमने कहा शिवपाल जी की बात आप मत मारिए, हमने कहा कि आप आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव में मत जाइए, हम अपना चुनाव लड़ रहे थे, आप अपना चुनाव लड़ रहे थे, आप चुनाव में नहीं गए, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन हाँ आपकी हार तो तय थी, लेकिन ये कि शायद वोटों का कुछ डिफरेंस आ जाता आप जाते प्रचार करने, लेकिन मेन बात तो ये है ना कि राजनीति में कर्तव्य मूड आप हो गए ना, कम से कम आपका जो कर्तव्य था पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के, और गठबंधन है, गठबंधन आपसे कह रहा है, किसी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया आपके साथ, पूरा गठबंधन आपके साथ में है, कह रहा है कि वहां पे जाइए आप प्रचार में जाइए, आपके प्रचार की आवश्यकता है, लेकिन आप दोनों कैंडिडेटों के प्रचार भी इसलिए नहीं गए क्योंकि हार का डर आपको पहले सता रहा था, हार जाएंगे तारिक खान कुछ कह रहे हैं कि मेरी वजह से हार गए, ठीक तारिक खान कुछ भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? जैन साहब ठीक ठीक तारिक खान क्या कह रहे हैं जी? हाँ. आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जी. जी मैं ये कह रहा हूँ अपने ही मंत्रियों इनके मंत्रियों के इनके सचिव बात नहीं सुनते हाँ. प्रवचन देने से पहले थोड़ा सा अपनी सरकार पे भी ध्यान दे लें और ये भी देख लें कि 40 से 50 लोगों से गठबंधन तोड़ने वाले गठबंधन धर्म बताएंगे बताएंगे वो उनकी सुनते नहीं है और वो लोग भी बताएंगे, लेकिन जिनकी दो सीटें पार्टी में क्यों फोड़ रहे हैं, बात ये हो रही है, फिर दो सीटों से आगे बढ़े तो थोड़ा सा अपना इतिहास याद करें, चाहे जिसे तोड़े बहन जी से तोड़े कांग्रेस से तोड़े प्रसपा से तोड़े राजभर जी से तोड़े हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका ठीकरा आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों फोड़ रहे हैं, बात ये हो रही है. नहीं जैन साहब खाली इतना कह रहे हैं कि उसका ठीकरा मेरे ऊपर क्यों फोड़ रहे हो आप लोग, जो हो रहा है आपके यहाँ हो रहा है. नितिन भाई मैंने उसके बाद बोला कि बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है. आपने ये भी तो कहा कि ये तो उनका काम है, ये लोग नहीं समझ पाते. ये तो भाई अगर हम होते उनकी जगह हमें मौका मिलता तो हम भी कर लेते, जैसे मौका शिवपाल साहब और ये दे रहे हैं, ये लोग ढूंढ रहे सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं. आप बात को समझिए भाई, अखिलेश के पास हमारे नेता सत्ता की मलाई खाना चाह रहे हैं ना, हमारे नेता अखिलेश में इतनी बुराई थी तो चुनाव पहले क्यों आए थे? नितिन भाई एक बात समझिए, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ. चुनाव से पहले संख्या की सत्ता आ रही है, समाजवादी की लहर चल रही है, चलो उधर निकल लेते हैं, कैबिनेट मंत्रालय मिल जाएगा. जब सरकार नहीं बनी तो दाएं बाएं देखने लगे, कहीं ना क्या करें. हमारे नेता थोड़ी सी छवि डाउन करो अखिलेश, नहीं गए थे कि हमें आप अपनी पार्टी में ले लीजिए, हमारे नेता दरवाजा खटखटाने नहीं गए थे कि हमें अपनी पार्टी में ले लीजिए, जो उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही थी वही डिसीजन हमारे नेता शिवपाल सिंह जी ने किया. आपकी बात बता देता भाई, मेरी बात सुनिए भाई, नितिन भाई इनकी का मलाई खाने की बात है, ऐसा कहिए कि इंग्लैंड से गांधी को बुला लेते तो वो 2017 गठबंधन में जा सकते थे, 22 में भी जा सकते थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की राय. वन बाय वन प्लीज, एक लाख भाई मैं आऊंगा आपके पास. हाँ, आप बोल लीजिए, बोल ले तब मैं बोलूं, इसीलिए उन्होंने बोल दिया. मैं ये कह रहा हूं तारिक भाई, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, एक लाख भाई ने बोल दिया कि हम आए नहीं थे, आपने हमें बुलाया था और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि हम साथ में. बहुत बुलाए, अरे हम बहुत बुलाए नहीं आते, मना कर देते, धुतकार देते कि चलिए भागिए, हमारी विचारधारा आपसे नहीं मिलती है, चलिए भागिए, हम अकेले लड़ेंगे. पहले आपको लगा कि ये समाजवादी की सरकार, अच्छा कैबिनेट मंत्री, अच्छा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था. अच्छा एक और बात नितिन भाई बहुत खास बताओ, यही भाजपा जिनकी मलाइयां ये खा रहे हैं, कलेक्शन मंत्री कहता था शिवपाल सिंह यादव को, कहता था इससे भ्रष्ट कोई है ही नहीं, आज धुल गए एकदम. क्या बात है, और वही अखिलेश राजभर के लिए भी कह रहे थे कि जितना सम्मान हमने उन्हें दिया समाजवादी पार्टी में नहीं मिला उन्हें. नहीं देखिए, जयंत साहब ने सम्मान दिया होता तो उनके संधि वाले ट्रांसफर कर देते, और जो पद मांगे थे उन्होंने 13 आयोग के, उसमें 5 ही दिए थे. हमारे बड़े भाई हैं प्रसपा वाले, जानते होंगे सारी बात ये. तो हम ये कह रहे हैं कि बड़ा सम्मान दिया था या नहीं दिया था ये सब लोग जानते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि इनकी बातें जनता के सामने पहुंच रही हैं. एक लास्ट बात कह दूं नितिन भाई, 6 विधायक इनके और 1 शिवपाल साहब, जनता ने मैंडेट बीजेपी के विपरीत दिया है, आप बात समझिए,
आपको वोट अगेंस्ट द बीजेपी दिया है। अब जो आप गोदी में जा रहे हैं खेलने के लिए, तो वो आप एक तरीके से जो पब्लिक ने आपको अगेंस्ट बीजेपी वोट दिया था, आप सीधा सीधा उस मैंडेट का अनादर कर रहे हैं। और कोई बात नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है, जनता ने आपको चुन के भेजा है, कुछ मुद्दे रहे होंगे बीजेपी के अगेंस्ट में, इसलिए आपको वोट दिया था। आप जब वापस जाएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हमसे कोई मतलब। ठीक है, अकलाक भाई क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे भाई ने बताया कि सत्ता की मलाई खाने को जा रहे हैं, तो सत्ता की मलाई मुझे तो लगता है अगर इस पूरे प्रदेश में किसी को मिली है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। किस तरह से 2012 में आके जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, और वो अब इनके प्रवक्ता या उनकी पार्टी के लोग बताएंगे कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को सत्ता की मलाई खानी थी। अरे वो ऐसे नेता, संघर्षवादी नेता, पहले जाइए थोड़ा पढ़िए साहब उनके बारे में। अगर मलाई खाना होता तो आज वो दोबारा समाजवादी पार्टी में ना आते, उत्तर प्रदेश की जनता के कहने पे समाजवादी पार्टी के साथ आए। आपके जवाब पे तारिक खान इतना हंस क्यों रहा है? देखिए, कोई चीज अगर आप इग्नोर करना चाहेंगे तो उसकी सबसे अच्छी चीज है कि हंस के उसको टाल दीजिए। क्या हमें बताएं, 2012 से पहले अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जब बने हैं 2012 के बाद, तो आखिर क्या उन्होंने हासिल कर लिया समाजवादी पार्टी को, ये अपने बताएं। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये जो समाजवादी पार्टी लोगों की हंसी है, ये बहुत दिन चलने वाली नहीं है। 2000 आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता, मुसलमान, यादव, दलित, वंचित लोग इनको बताने काम करेंगे, जिसके ठेकेदार बनते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कि हम ठेकेदार हैं इन लोगों के, तो इनको बताने काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। परेशान ना हो, 2012 के बाद इन्होंने कुछ कर नहीं पाए। 2012 के बाद लगातार चुनाव हारे हैं। ये तो तारिक भाई से पूछे ना, इस बात का जवाब दे दे। क्या कहना चाहिए? देखिए भाई, देखिए मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि इनकी बात ना मुझे समझ में आ रही है ना किसी और को। खैर, भाई है हमारे, बड़े सम्मान के साथ नेता की बात अगर आपके नेतक समझ में आ जाती तो आप सरकार बनते सर। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोग कोई बात समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपके सामने कोई सच रखेगा तो आप कहेंगे मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं, मुझे सच सुनने की जरूरत नहीं है। अब नितिन भाई मेरे जवाब वाला टाइम ले रहे हैं, फिर मैं कैसे जवाब दूं? ठीक, चलिए जवाब दीजिए तारिक भाई, जवाब दीजिए। देखिए, लोहिया और जेपी ने आपको ये सिखाया था कि ये जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी इनकी चाबी एकदम टाइट रखना। यही स्टूडेंट हो लोहिया, यही स्टूडेंट हो जेपी के, कि जो आदमी अडानी को चौथे नंबर का दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे, पूंजीवाद को बढ़ावा दे, उसकी गोदी में जाके बैठोगे? ये मैं भी बुराई करूंगा फिर अखिलेश, उनकी शिवपाल साहब की। क्यों? क्योंकि इस विचारधारा से आप हट नहीं सकते। ये नहीं सिखाया था, ये नहीं ट्रेनिंग मिली थी लोहिया और जेपी की? भाई क्या पढ़ के आए हो लोहिया और जेपी से? नहीं तो लोहिया और जेपी क्या, अब जा रहे हो उनकी गोदी में बैठ के सत्ता के लिए? यार कैसे हो, बताइए आप नितिन भाई, कैसे हो सकता है ये? नहीं, अतीक खान कह रहे हैं, ये तो जेपी और लोहिया का फेल स्टूडेंट निकले। अतीक खान कह रहे हैं कि क्या लोहिया और जेपी ने यही सिखाया था कि आप यूज करिए फिर निकाल के फेंक दीजिए मक्की की तरह दूध वाला? देखिए ऐसा है ना कि यूज करिए मक्खी की तरह निकाल के फेंक दीजिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी तब आप आई थी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको दिख रहा था पीडब्ल्यूडी मंत्रालय फिर से, कि अखिलेश की बनी सरकार और आप बने कैबिनेट मंत्री। अब सरकार नहीं बनी, अब तो सत्ता के करीब जाना ही जाना है दोनों जन को, कैसे जाए? तो धीरे धीरे शुरू किया अखिलेश यादव की बुराई और साथ में योगी जी की तारीफ, और जिनकी बुराई इतनी हद तक, शिवपाल साहब ने तो कम की लेकिन हमारे महान राजभर साहब ने तो बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं कह रहा हूं इन तरीके से आपत्ति मचा रखी। इनका हृदय परिवर्तन कैसे होता है ये देखिए सेकेंडों में। हम वहां बुला लिया दावत में, वहां दावत खाने चले गए, अपनी विचारधारा कुछ नहीं है इनकी। दिन भर विधानसभा में आधा घंटा चिल्लाए ओबीसी वर्गीकरण के लिए, 7%, 9%, 11% का वर्गीकरण है। जब अमित शाह से मिलने गए थे तो कान में कह देते वो वाला काम करोगे तो वोट देंगे वरना नहीं देंगे। तब तो जनता की जिस वोट के लिए पाए थे कुर्सी, 6 विधायक जीते थे, उनका जवाब हो जाता। बात करते हैं बैकवर्ड की, और मकसद केवल एक था कि लड़के को एमएलसी नहीं मिला। अच्छा। यही झगड़ा इनका भाजपा से भी था, और यही अभी कोई बात आज भी इसको लेकर के, नहीं तो ये तो नया आपने शगुफा छोड़ दिया। अरे भाई आप समझिए,
ये एमएलसी बनाने के लिए आज से नहीं परेशान है, बहुत पहले से परेशान है। आप बात समझिए, अच्छा, कि किसी तरीके से एमएलसी बन जाए, बुराई नहीं है बिल्कुल, अगर काबिलियत हो बने। बहुत से नेता विधायक एमएलसी है, राजनाथ साहब सिंह साहब के भी बेटे विधायक है, और भी कई बड़े बड़े नेता है, ब्रिभूषण सिंह साहब के बेटे विधायक है, तो बनिए, अरे जाइए भाई चुनाव लड़िए, बनिए, एमएलसी बनने की क्या जरूरत थी। तो ये सब मकसद है। अच्छा एक बात और है कि जनता देख रही है, आप एक्सपोज होते जा रहे हैं, जगह जगह आप एक्सपोज। अब आप समझिए, जितनी जल्दी आप खुद देखिए, बड़े लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिटिक्स होती है, बहुत शॉर्ट क्षणिक नहीं होती। अच्छा अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप करेंगे तो उसके परिणाम अजीब होंगे। अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट बता दीजिए ओपी राजभर साहब के खिलाफ या शिवपाल साहब के खिलाफ, आप बता दीजिए, एक बता दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे राय की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी को राय की जरूरत नहीं। बस, ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी सच्चा में। वाह भाई, ठीक है, तारीख नहीं, अरे भाई आपकी तरह बुराई की है, एसी कमरे में सोते हो, इसका क्या मतलब है? आप तो डायरेक्टली अखिलेश यादव को आलसी कहना चाहते हो। देखिए आलसी आप कह रहे हैं, आलसी हम नहीं कह रहे हैं। देखिए सवाल इस बात पे उठता है कि अभी आप ही ने कहा राजनीति शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई राजनीति आपको करना है तो वास्तव में एसी कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। अब एसी कमरे का मतलब ये नहीं कि आप एसी चालू करके सो रहे हैं, एसी कमरे का मतलब ये होता है कि क्षेत्र में जनता के बीच में जाने को ही आप कहीं ना कहीं चीज से ले सकते हैं। तो अगर हम लोगों को बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला उपचुनाव में तो भाई सवाल तो बनता था। नितिन भाई आप खुद सोचिए कि हम ही नहीं कह रहे, इनके खुद कार्यकर्ता कह रहे थे, और ये अपने दिल पे हाथ रख करके सोचे और कहें क्या उन्होंने गलत नहीं किया था वहां जाकर के। तो जब वहां गए नहीं तो राजभर जी ने 17 दिन 16 दिन अपने कैडर्स के साथ मेहनत की है, तो सवाल बनता था इनको क्या चाहिए था। नितिन भाई जवाब दे, हम हाँ बोलिए बोलिए नितिन भाई, एक बात बताइए, बहुत शादी और तलाक की बात करते हैं, गठबंधन हुआ प्रसपा इनसे ओपी राजभर की पार्टी से, तो अकाली दल आके हमारे लिए प्रचार करेगा? भाई कैसी बात करती है आप लोग, समझ ही नहीं आता मुझको। अच्छा आपका यही कारण है, तारिक भाई यही कारण है जो जैन साहब अभी आप कह रहे हैं कि आप झल्ला रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए भाई अजीब बात लगती है ना, मैं कह रहा हूँ इनकी बातें, इनको भी वापस जाना है चुनाव में। ये सब लोग विपक्ष के हैं, हम चाहते हैं कि ये साथ में मिलके रहें, लेकिन इनको भी जनता के बीच ही में जाना है। भाई समझ लीजिए, अब अगर भाजपा के साथ चले जाएंगे तो वोट ही नहीं पाएंगे। ठीक तारिक भाई, हां अतीक क्या देखिए, अभी तारिक भाई ने कहा कि एमएलसी इनके इनको नीड थी और एमएलसी अगर ये नहीं, हां ये एमएलसी वाला क्या आता है तो समझ नहीं। देखिए मैं चीजों को बताता हूं आपको, फिर से सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि सबसे पहले तो राज्यसभा सांसद का मौका आया, इन्होंने आरएलडी के जैन चौधरी जी को इन्होंने नॉमिनेट कर दिया, उनको दे दिया, हमने कुछ नहीं बोला। जबकि अगर वोट प्रतिशत देखा जाए जो बढ़ाने में ज्यादा मदद की है, पश्चिम में आपने देखा है क्या नतीजा रहा, पूरब में हमने कहीं ना कहीं 45-46 सीट ऐसी थी जहां पर राजभर वोट बहुत अच्छा था और हमने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे वोटों से जिताने का प्रयास किया और हुआ भी। लेकिन इसके बाद देखा जाए, फिर एमएलसी का चुनाव आया, इन्होंने पहले से ही कहीं तो कोई वादा था क्या? नहीं, वादा ही रहता। देखिए राजनीति में कुछ चीजें कही नहीं जाती लेकिन हो जाती है। अच्छा मतलब कुछ डील हुई। हाँ, अब देखिए 27 तारीख को जो मऊ के हल्दरपुर में रैली हुई थी, ये इसका प्रमाण था कि कहीं ना कहीं हम लोग मिल करके सारे काम करेंगे। तो जब वक्त तो आया तो इन्होंने डील कर लीजिए, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने जितना सम्मान दिया, फिर हमने इनसे कहा, फिर बातचीत हुई, वहां भी इन्होंने नजरअंदाज कर दिया, मौर्य जी को बना दिया जबकि वो हारे हुए कैंडिडेट थे। तब भी हमने सीधा बैठा रहा, हमारी पार्टी बैठी रही, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, चीजें होती रहती है, देखते हैं उपचुनाव में चीजें मेहनत करके किया जाएगा। उपचुनाव में टिकट की बात हुई तो इन्होंने कहा नहीं हम यादव को टिकट देंगे, तब भी ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा नहीं देखिए किसी ऐसे समाज को दीजिए, किसी मुस्लिम को दीजिए, किसी और भी पिछड़े समाज को दीजिए। देखिए यादव वोट कहीं ना कहीं बढ़ जा रहा है क्योंकि जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो भी यादव है, तो चीजें कहीं ना कहीं हमें मैनेज करनी पड़ेगी। फिर जो बीजेपी से जो आपके बसपा से लड़े हैं वो आए थे टिकट के लिए, इन्होंने समझा बुझा करके उनको भी भेज दिया, ठीक है टिकट देंगे, उनके साथ भी कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई है। तो अब उसके बाद 16-17 दिन हमने मेहनत किया, अपने 300 कैडर के साथ मेहनत किया, उसके बाद रिजल्ट नहीं आया। हमने इनको एक सलाह दी, देखिए कहीं ना कहीं जो कमी रही है ये यही कमी रही है कि आप कमरे से बाहर नहीं निकले, इनको बुरा लग गया, इन्होंने प्रतिक्रिया दे दी। तो भैया हमने कहा ठीक है भाई अब हम भी किनारा ही कस लेते हैं, अब आप ही को जो डिसीजन करना है करिए, तो इन्होंने हमें किनारे कर दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि एक बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा शेर है
राहत इंदौरी साहब का कि अब कहां जाओगे हमारे कातिल ढूंढने, अब तो कत्ल का इल्जाम भी हम ही पर रख दो। तो इन्होंने क्या किया कि सीधा सीधा लेटर जारी कर दिया और उसमें लिख दिया कि आप लोगों की विचारधारा जिससे मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिख दिया। तो देखिए, जाना ना जाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, ये चीजें होती रहेगी। मैं ये कह रहा था कि जैन साहब अभी कह रहे थे कि जो इज्जत हमने दी वो समाजवादी पार्टी में आपको नहीं मिली, तो क्या आगे का कोई स्टेप है जैन साहब के साथ? देखिए ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, चूंकि कुछ तो चल रहा होगा ना अंदर अंदर। प्रवक्ता देखिए, प्रवक्ता ये चीजें नहीं तय करता। हाँ, चीजें अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, पार्टी क्या निर्णय लेती है, अभी हमारी बैठक चल रही है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जो भी निर्णय लिया जाएगा पार्टी हित में, प्रदेश की जनता के हित में और कहीं ना कहीं आवाम के हित में ही फैसले लिए जाएंगे। तो अभी कुछ कहना नितिन भाई जल्दबाजी होगी, लेकिन जो बेबुनियादी इल्जाम हम पर लगाए जा रहे हैं कि ये बहुत तरह के लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं बहुत, तो ये मुझे लगता है कि ये सब बेबुनियादी चीजें हैं, इस पे बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रदेश पीछे जा रहा है, हम लोग इस पे मिलजुल कर। तारिक खान जवाब दीजिए, फिर जैन साहब के पास चलता हूं। हां तारिक खान जवाब दीजिए जी। मैं हेलो, मैं बात नहीं सुन पाया, जरा सब बताइए क्या सवाल क्या है। नहीं, सवाल इनका कोई नहीं है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे मुझे ऐसा लगा बीच में। नहीं नहीं ठीक है, मैं सुन नहीं पाया था ना। मैं नहीं, इनका साफ तौर पर कहना है, इनका साफ तौर पर कहना है पुरानी बातों को लेकर के कि राज्यसभा का जब नॉमिनेशन हुआ था तब भी कुछ हम लोग की बात हुई थी, उस पर आप लोग ने अमल नहीं किया। फिर एमएलसी चुनाव आया, उसमें भी आप लोगों ने अमल नहीं किया। स्वयं प्रसाद मौर्य को आप लोग ले आए, उनको जिता कर भेज भी दिया, बना भी दिया। उपचुनाव में भी इन लोगों ने कहा था कि किसी मुस्लिम कैंडिडेट को दे दो या किसी और पिछड़े कैंडिडेट को दे दो, लेकिन तब भी आपने बात नहीं मानी। तो यही इन लोगों ने कह दिया कि थोड़ा हम लोग की बात भी सुन लिया करो, तो आप लोग को बुरा लग गया। भाई बात ना सुनी होती तो इतने दिन से आप हमारे साथ हैं, आपने जो जो कहा वो किया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है कि जैसे आपको कुछ चाहिए ही, अब वो चीज देने की स्थिति में है नहीं है ये तो पार्टी तय करती है, हम तो तय करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी दे दिया, हमने तो उनसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया था आपका। ये मानक हो सकता है इनके हिसाब से कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया हुआ, वैसे इनका योगदान 93 के भी चुनाव में था। अगर ये 93 में न होते तो शायद समाजवादी पार्टी एक भी सीट ना जीतती। 93 में भी इनका बहुत बड़ा रोल था, उससे पहले जब जनता पार्टी जीती थी तब भी इनका बहुत बड़ा रोल था। खैर, ये सब बेबुनियादी बातें हैं, ये बातें हैं। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ हमने मदद की हम वहाँ की बात कर रहे हैं। इंतजार किया, राजनीति में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी। राज्यसभा आपने नहीं दिया, एमएलसी आपने नहीं बनाया, उपचुनाव में गुड्डू जमाली साहब को हमने सपोर्ट करने की बात कही, आपने बुलाया, आपने कार्यालय में बैठाया, फिर गुड्डू जमाली को भेज दिया। नाराजगी यहां खुल गई कि नाराजगी गुड्डू जमाली को भी आपने वापस भेज दिया, लास्ट में उसने देखिए 2 लाख से प्लस वोट उनको मिला। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो आपकी अपरिपक्वता है, जो इमेच्योरिटी है, कहीं ना कहीं देखिए इस चीज को मानिए। तारिक साहब देखिए, आप प्रवक्ता है, मैं मानता हूं कि आप डिफेंड करेंगे अपनी पार्टी को, लेकिन देखिए सच्चाई का साथ ना छोड़िए, है ना। सच्चाई का साथ छोड़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठेगा। तारिक भाई जल्दी से बोलिए, फिर अब हम मैं जवाब दे लूं। देखिए ऐसा है कि आप कह रहे हैं सच्चाई, हम कह रहे हैं दूसरी चीज, अब इसका निर्णय कैसे होगा? हम तो अपनी बात कहेंगे भाई जरूर, कि आपको क्या सिर्फ पद की ही लालच है, एमएलसी और राज्यसभा बस यही भाई? अरे मूलभूत एमएलसी और राज्यसभा की लालच नहीं होगी हमें, कोई हम छोटे मोटे नेता थोड़ी ना है। वो कह रहे जब हमने मेहनत तो करी है, छोटे मोटे नेता है या नहीं है? हमने तो छोटा मोटा आपको नेता कहा नहीं भाई। देखिए अपने मुंह से ना कहिए कि हम छोटे, आप बहुत बड़े नेता हैं, पहली बात समझिए। एक जमाने में आप बीएसपी के जिलाध्यक्ष, वो वक्त ना भूलिए, आप बहुत बड़े नेता हैं, ये बात नहीं कही जा रही। आप तंज क्यों कस रहे हैं? जब आपके मुख्यमंत्री, मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब के ये राजनीतिज्ञ हैं ओम प्रकाश राजभर जी, और आज भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन बिना ओम प्रकाश राजभर जी के कोई चैनल या कोई राजनीति अधूरी न रहती हो। नितिन भाई हमारे साथ हैं, ये चीजों को बताएंगे और आप खुद डेली देखते होंगे, तो काबिलियत है साहब। अगर काबिलियत न होती तो आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम हर जगह हो गया। भाई आप लोगों, जैन साहब के पास चलूंगा। जैन साहब, ये तंज कस रहे हैं तारिक खान बार बार, क्या कारण है? और ये अपरिपक्वता वाला जो मामला है अखिलेश यादव का, आपको भी लगता है क्या है ऐसा कुछ? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं
और ऐसे में जो उनके निर्णय हैं, अगर आज उनके निर्णय से पार्टी टूट रही है, आज उनके निर्णय से गठबंधन में बिखराव आ रहा है, तो सवाल तो उनके निर्णय पे उठे, जाहिर सी बात। और साथ ही साथ जो भाषा आदरणीय अखिलेश यादव जी की रहती है, गुरूर और घमंड की, कि आप जा सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको जहां सम्मान मिले वहां चले जाइए, उससे कहीं ज्यादा कड़वी भाषा का इस्तेमाल लगातार उनके प्रवक्तागण कर रहे हैं। जरा जरा सी बात पे तंज कसना, 93 में आप कहां थे, 92 में आप कहां थे, 92 में आपने जिताया, 2017 में आप, 2012 में आपने जिता दिया था, और नितिन भाई इस तरीके की बातें होना की, और यहाँ पे एक लड़ाई और भी है, एक लड़ाई यहाँ पर और भी है, राजभर जी की, ओपी राजभर जी की पार्टी में और समाजवादी पार्टी में दोनों की लड़ाई एक चीज और उभर के सामने आई कि बड़ा नेता कौन है। और साथ ही साथ जो महत्वाकांक्षा की बात है, देखिए अगर ओपी राजभर जी के वजह से आपको कई सारी सीटों का फायदा हो रहा है, और साथ ही साथ उनके जो 6 विधायक है वो तो डायरेक्ट समर्थन आपका कर ही रहे हैं, लेकिन उनका जहां जहां पे जरादार था, अगर वो वोट का लाभ आपको मिल रहा है तो आपको उनका सम्मान करने में और उनकी हिस्सेदारी उनको देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और अगर राजनीति में कहीं पे गठबंधन है और गठबंधन में केवल आप अपनी तानाशाही चलाएंगे तो जाहिर सी बात है आज नहीं कल गठबंधन टूटेगा। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव जी की तानाशाही, और साथ ही साथ उनका जो गुरूर और घमंड है वो शिवपाल यादव जी को कह रहे हैं। अरे शिवपाल यादव जी ने आपसे क्या मांग लिया? चलिए राजभर जी तो कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों को आप राज्यसभा भेजिए, आप हमारे लोगों को मंत्री बनाइए, हमारे लोगों को कुछ और बनाइए, कह सकते हैं। लेकिन शिवपाल यादव जी सिर्फ एक सीट पे संतोष करने वाला व्यक्ति, उसको और जो समाजवादी पार्टी के असली हकदार अगर देखा जाए और मुख्यमंत्री पद के अगर असली हकदार देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के 90% लोग कहते हैं कि अखिलेश माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बाद किसी को बनना चाहिए था, शिवपाल यादव जी को बनना चाहिए था राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रही बने, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, साइकिल के सिंबल के लिए लड़ाई हुई, सब कुछ सबने देखा, आपने भी देखा, सब कवरेज करते थे आप, हम लोग भी वहां रहते थे, आपने सारी चीजें देखी है। और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एक सीट पे संतुष्ट रहने के बाद अगर कोई छोटी सी सलाह देता है, सलाह किसको देंगे? अगर पार्टी में गठबंधन में आप नेतृत्व तो आप कर रहे हैं, मुखिया आप है पूरे नेतृत्व के, आप खुद कहते हैं उन्होंने बुलाया, आपने गठबंधन उनके साथ ओपी राजभर जी के साथ ही किया है, ओपी राजभर जी ने आपके साथ गठबंधन किया है, क्यों? क्योंकि भाई उनकी छोटी पार्टी है, उनके 6-7 विधायक है, आपके पास 110 प्लस विधायक है, आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो हर चीज में अगर आपका पलड़ा भारी है, नेतृत्व सारी चीजों का आप कर रहे हैं, चीजें आप तय कर रहे हैं, उन्होंने आपको सीटें नहीं दी, सीटें आपने दी कि आप इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, शिवपाल जी को आपने तय किया कि आप एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में सवाल किस पे उठाएंगे? अगर उनको लग रहा है कि हमारा गठबंधन कमजोर पड़ रहा है तो सवाल किस पे उठाएंगे? हम कहते हैं ठीक है सलाह ना मानिए, सवाल उठा दिया, सवाल उठाना भी कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, कौन सी बुरी बात होगी कि आप प्रचार करने नहीं गए वहां 2 सीटों पे उपचुनाव हुआ, तो कुल मिलाकर के ये गुरूर और घमंड है कि वो इस तरीके से आज कह रहे हैं आप जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, आपके लिए रास्ता खुला है, आपको जहां सम्मान मिले वहां चले जाइए। अरे ये क्या है, ये गुरूर और घमंड नहीं, क्या है भाई? सारे चीजें अलग, लेकिन ये गुरूर और घमंड की राजनीति जो करता है उसका सफाया होना तय। आपने देखा बहन जी सीट पे सिमट गई, आपने देखा कांग्रेस का पूरे प्रदेश से सफाया हो गया, 400 प्लस सीटों पे लड़ने वाली प्रियंका गांधी जो कहती थी हम सरकार बनाएंगे, चुप तो जाए, एक सीट निकाल पाती है लोकसभा में ना, वो मिला के जिनके अंदर गुरू और घमंड है उनकी ना सरकारें रहेंगी ना उनकी सत्ता रहेगी। तारिक भाई 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, मैं डिबेट खत्म करूं। हां क्या कह रहे थे? जी जी आवाज आ रही है ना मेरी? मैंने कहा कि मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार, लालकृष्ण आडवाणी, इनको साइडलाइन करने वाले शिवपाल जी को डिफेंड कर रहे हैं, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये भी कह दूं कि आप नहीं जैसे पार्टी में चले गए, बुकलेट छपी है ना, ये नहीं पार्टी में चले गए बताइए ना, और हम लोग किस पार्टी में चले गए बताइए ना, याद रहेगा ना कि मुझे क्या क्या बोलना है, पार्टी में चला गया है। आप लोग तो कहते थे, आप लोग तो ये भी कहते थे कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को आपने किराया लगा दिया, आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी किस पद पे है? तो यहाँ परिवारवाद ही चलता है,
ना तो यहाँ पे बैठा दीजिए चलती है कि एक व्यक्ति हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन सम्मान सबका है। किताब छपा के सुनी जाती है, मुझे याद रहे क्या क्या ठीक। एक लाख दस सेकंड एक लाख। देखिए जिस तरीके से अभी भाई ने हमारे बताया कि किस तरीके से ये लोग मंत्रिमंडल के पद बांट रहे थे, ये तो खुद बता रहे हैं। हाँ। तो यही ओवर कॉन्फिडेंस समाजवादी पार्टी को ले डूबा। किसी सीनियर पर्सन की इन्होंने कोई राय नहीं ली, कोई रिस्पेक्ट नहीं ली। और लोहिया जी के विचार की बात तो मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी के लोग ना ही करें तो अच्छा है, कि लोहिया जी के असली स्टूडेंट नेता जी का तो सम्मान कर नहीं पा रहे हैं, तो लोहिया जी का मेरे हिसाब से ये बात ना करे तो अच्छा है। आने वाले समय में हमारी पार्टी के राष्ट्र कार्यकारिणी जो भी डिसीजन लेती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी डिसीजन लेते हैं, राष्ट्र महासचिव आदित्य यादव जी जो डिसीजन लेते हैं, मैं मेरी पूरी पार्टी के एक कार्यकर्ता उस डिसीजन को फॉलो करेंगे, वो डिसीजन पे कायम रहेंगे। और ये परेशान ना हो समाजवादी पार्टी, आने वाले समय में इनको बता दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश जनता भी बता देगी कि ये कहां पे। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन सबसे मजबूत खुद को बता रहा था चुनाव के नतीजे आने के बाद, दरअसल अब उसमें दरारें इतनी बड़ी हो गई हैं कि पत्र जारी करके भी ये कह दिया गया है कि आप लोग अपना अपना रास्ता देखो, और उसके बाद अब बयानबाजियों का दौर और एक दूसरे की कमियां बताने का जो दौर है वो लगभग शुरू हो चुका है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर अब हो चुका है, और ये विपक्ष मौजूदा सरकार से किस तरह से लड़ाई लड़ेगा ये भी देखना है। आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए नमस्कार।